तो हे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि हम अपनी और भी अच्छी फोटोज कैसे ले सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी और भी अच्छी फोटोज ले सकते हो। और अगर आप फैशन इंस्पिरेशन या फिर मेरी खुद की फोटोज देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, वो है rmdutt.vlogs। तो मैं वहाँ पे हर एक टाइप के पोस्ट के साथ फोटोज डालने की कोशिश करता हूँ एंड आई होप आपको वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको वही 6 चीजें बताऊंगा जिससे आप अपनी फोटोग्राफी गेम को, अपनी फोटोज को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं। तो पहले चीज जो आप कर सकते हैं अपनी फोटोज को इम्प्रूव करने के लिए वो है एक प्रॉपर पोस्चर बना के। देखो काफी लोग ये सोचते हैं कि जब हम रिलैक्स बॉडी पोस्चर में अपनी फोटोज क्लिक करवाते हैं वो ज़्यादा अच्छी निकल के आती है, जबकि ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देते हो तो आपकी बॉडी स्लाउच कर सकती है, आपकी बॉडी स्लॉपी हो जाती है, जिस करके द इनफेमस डबल चिन भी आपकी फोटोज में शो होता है और आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा गिरे हुए दिखते हैं, जिस करके आपकी फोटोज अच्छी नहीं लगती है। अगर आप अपनी फोटोज को इसी टिप से इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, अपनी शोल्डर्स को बैकअप करके अपनी चेस्ट बाहर निकाल के अपनी चिन को, अपने फेस को थोड़ा आगे रखिए, जिस करके द इनफेमस डबल चिन भी आपकी फेस से हट जाएगा, तो जिससे आप ज़्यादा मैस्कुलिन लगे और आप उससे और भी ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। जैसे आप देख सकते हैं शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट और थोड़ी सी आपकी चिन बाहर, जिस करके आपकी प्रॉपर फीचर्स डिफाइन होंगे। और अगर आप बिल्कुल ढीले होकर फोटो खिंचाने की कोशिश करोगे तो आपकी ऐसी फोटोज आ सकती हैं जो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर पे आप मेहनत कीजिए। दूसरी चीज है फाइंड 3-4 गुड पोजेस। देखो अगर आपके पास कोई पोज ही नहीं होगा तो आप क्या ही डिसाइड करोगे कि मैं कैसे पोज करूं, कैसे खड़ूं जिससे मेरी फोटोज अच्छी आएगी। इस करके आपको कुछ पोजेस लर्न करने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, जिस करके आप अपनी अच्छी फोटोज ला सकते हो। कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपको बता सकता हूँ, आप द फेक वॉक कर सकते हैं जिसमें आप वॉक करने की कोशिश करेंगे, बार बार 2-3 स्टेप्स लीजिए जिससे जिस करके आपकी अच्छी फोटोज आ सकती है। बाकी आप थोड़ा साइड पोज साइड में देख के पोजेस कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रॉप को यूज करके, चाहे वो सनग्लासेस हो चाहे मास्क हो, जो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है, आप उसको यूज करके पोजेस कर सकते हो जिससे आपकी फोटोज और भी बेटर निकल के आएगी। तीसरी चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है अ गुड लाइटिंग सेटअप। देखो अगर गुड लाइटिंग नहीं होगी तो बहुत कम चांसेस है आपकी फोटोज अच्छी निकल के जाए, और ये सब फोटोग्राफर्स सारे मॉडल्स कहते हैं और ये बात सही में सच है। अगर लाइटिंग आपकी बहुत अनइवन होगी, आपकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होगी, तो आपकी फोटोज इतनी अच्छी नहीं निकल के नहीं आ सकती एंड इट इज अ फैक्ट। तो अगर आप कोशिश करना चाहते हैं कि हमें अच्छी लाइटिंग कहाँ मिले, तो एक हैक जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कीजिए, और उसमें आपने क्या करना है, आप अपने कैमरा में चाहिए, आप सेल्फी मोड ऑन कीजिए और आप अपने फ़ोन से सेल्फी में देख के 360 डिग्री घूमिए, और जहाँ पे आपको पता लगेगा कि लाइट आपके फेस को पूरी अच्छी तरीके से फिल कर रही है, आप वहाँ पे अपनी फोटोज खिंचाएं, जिस करके जो आपके फेस के फीचर्स हैं, जो आपकी बॉडी के फीचर्स हैं, वो भी अच्छी तरह से शो होंगे, वो ज़्यादा अच्छे से उभर के आएंगे, जिस करके आपकी फोटोज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। अनइवन लाइटिंग हमेशा खराब करेगी आपकी फोटोज़, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और ये बहुत सिंपल हैक है जो आप अगर कहीं फोटोज क्लिक करवाने की सोचते तो आप ऐसे जल्दी से अपना फ़ोन यूज़ करके 1 मिनट लगेगा और आपको पता लग जाएगा कि लाइटिंग कहाँ पर ज़्यादा अच्छी है और आपकी फ़ोटोज़ कहाँ पर ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी। चौथी चीज़ है डिफरेंट स्पॉट्स पे जाके अपनी फोटोज क्लिक करवाना। देखो ऐसी बहुत से एरियाज हैं, बहुत सी ऐसी स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप अपनी फोटोज क्लिक करा सकते हो, और वो एरिया ही आपकी फोटोज को बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली अच्छी बना देती है, चाहे अगर आपका पोज अच्छा ही क्यों ना हो। तो ऐसे कुछ एरियाज हैं, आप नेचर के साथ शूट कर सकते हैं, आप मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ शूट कर सकते हैं, और आप कार्स के साथ भी शूट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वो आपकी फोटोज में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करती है, एक्स्ट्रा कलर्स ऐड करते हैं,
जिस करके ऑटोमेटिकली ही आपकी फोटोज बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आती है। तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं कि आप अच्छी स्पॉट्स पे जाके फोटो खिंचा सकते हैं, जिससे आपकी फोटोज और भी अच्छी आ सकती है। तो ये तीन ऐसी स्पॉट्स हैं जहां मैं पर्सनली फोटोज क्लिक कराना पसंद करता हूं, चाहे वो नेचर हो, मॉडर्न आर्किटेक्चर हो या फिर कार्स के साथ हो। यहाँ पे आपकी फोटोज बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि वो बस वर्सेटिलिटी आ जाती है, आपकी फोटोज उतनी ज्यादा वर्सेटाइल हो जाती है। तो आप ये जरूर कोशिश कीजिए कि आप डिफरेंट स्पॉट्स, डिफरेंट एरियाज में जाके अपनी फोटोज क्लिक करवाएं। फिफ्थ टिप है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है स्माइलिंग इन योर फोटोज। देखो, जब आप स्माइल करते हो अपनी फोटोज क्लिक करवाने के समय, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बिहेव करने चले जाती है, जिस करके आपकी बॉडी, आपके जो फेस के फीचर्स हो जाते हैं वो और भी ज्यादा इनहांस हो जाते हैं, जिस करके आपकी फोटोज और भी ज्यादा अच्छी आ जाती है। और मैंने इतने लोग देखे हैं जो अपनी फोटोज में स्माइल ही नहीं करते। यार किस बात का गुस्सा है तुम्हें, किस बात का, स्माइल किया करो अपनी फोटोज में। जितना ज्यादा आप स्माइल करोगे वो फोटोज बहुत ही ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर आपकी स्माइल उतनी अच्छी नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हो, आप थोड़ा नीचे देख के थोड़ा स्माइल कर सकते हो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होता रहेगा, आप थोड़ा थोड़ा ऊपर कर सकते हो, और उनमें से जो भी फोटो अच्छी निकल कर आएगी, कोई भी एक फ़ोटो जो आपको सेटिस्फाई करे, आप वो चूज़ कर सकते हो। एंड टिप नंबर 6 है एडिटिंग योर फोटोज। देखो, आज के वक्त में सब लोग अपनी फोटोज एडिट करते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो मॉडल्स हो या चाहे एथलीट्स हो। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार, ये बस अपनी सिंपल फोटो क्लिक करवा के पोस्ट कर देते हैं, तो आप बड़ी गलत माइंडसेट में रह रहे हो कि ऐसा कुछ है, क्योंकि सब लोग अपनी फोटोज एडिट करते हैं और मैं खुद अपनी फोटोज एडिट करता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली ये ध्यान रखता हूँ कि आपको अपनी बॉडी के फीचर्स बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं जिससे आप अपने थोड़े बॉडी फीचर्स भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना, आप प्लीज़ ये चीज़ें मत कीजिए करें। आप सिर्फ कलर्स के साथ प्ले कीजिए, आप कलर्स को थोड़ा और ज़्यादा भार सकते हैं, जिस करके आपकी फोटोज और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने बस कलर्स के साथ प्ले अराउंड करूँ, जिससे वो और भी ज़्यादा फोटोज अच्छी निकल के आए। तो ये बहुत एक अच्छी और सिंपल चीज़ है जो आप लोगों को करनी चाहिए अपनी फोटोज एडिट करते वक्त। अगर आप अपने बॉडी फीचर्स भी चेंज करने की कोशिश करते हो एडिटिंग में, तो माय फ्रेंड, आप बस अपने फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, आप अपने सेल्फ इस्टीम के साथ खेल रहे हो। तो प्लीज़ अपनी बॉडी फीचर्स के मत जाइए कि हाँ, मैं अगर अपनी बॉडी फीचर्स ऐसे एडिट कर दूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। आप अपने लिए एक बहुत ही अलग दुनिया बना रहे हो, और एंड में वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो प्लीज़ एडिटिंग करते वक्त ये ध्यान में रखिए, आप अपने आप को चेंज मत कीजिए, आप जैसे हैं आप वैसे ही अच्छे हैं। तो गाइस, यही थी कुछ मेरे पास 6 ऐसी टिप्स जिससे आप अपनी फोटोज को इम्प्रूव कर सकते हो, आप और ज़्यादा फोटोजेनिक हो सकते हो। तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ बाहर घूमने जाओगे तो यार सबको ये चीज़ें पता होगी और सबकी फोटोज अच्छी आएंगी। और मैं तो ये चाहता हूँ आप लोगों की फोटोज अच्छी हैं, तो उनके साथ भी शेयर करना और उनको भी बोलना ये चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आप लोगों को इम्प्रूव करने के लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ करूँगा, और मेरे को पूरा भरोसा है आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख के जाते ही जाते हैं। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।